28 अगस्त को किसान आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के चलते किसान करनाल में धरना प्रदर्शन करने में जुटे थे, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक में सहमति बनने के बाद करनाल में धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, जिसके चलते प्रशासन ने भी अब राहत की सांस ली है। इस बैठक में यह आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया कि लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही करेंगे, और साथ ही 28 अगस्त के लाठीचार्ज के दौरान मारे गए सुशील काजल के परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो वहीं डीएम आयुष सिन्हा को जांच मुकम्मल होने तक छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इस सहमति के बनने के बाद अब किसानों ने करनाल में धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश। रूबी साहब बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सभी हमारे किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सर ये बताना चाहता हूँ, 3-4 दौर की आपको मालूम है, पहले वार्ता हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में पहले भी वार्ता चली, और कल जो हमारी वार्ता हुई बहुत ही सकारात्मक माहौल से और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई, और फाइनली तकरीबन हमारी फाइनल स्टेज पे थी, लेकिन जैसे चरूनी साहब और सब कृषक नेताओं से बात हुई कि हम फाइनल जो अपना जो भी अनाउंसमेंट करेंगे सहमति के बारे में उस सुबह 9 बजे करेंगे, सारा सलाह मशवरा करने के बाद। तो अब हमारा जो भी था वो फाइनल स्टेज पे ओके, और जो एक जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषक नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करेगी, करवाएगी, और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी, एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी, और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।